बीदर के पत्रिका भवन में आज बुधवार 7 फरवरी को फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बीदर ब्रांच की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें फैमिली प्लानिंग और दूसरे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीदर के अध्यक्ष डॉ नागेश पाटिल, उपाध्यक्ष डॉ सविता चकोटी, डॉ एसी ललितम्मा सुब्रमण्या प्रभु, डॉ आरती रघु, श्रीनिवास बिरादर ब्रांच मैनेजर और विनायक स्टेटिस्टिकल अफसर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। केबी न्यूज़ के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। उन्होंने हमें चुना और जून में ये सेंटर एस्टेब्लिश हुआ हमारे आरएचएफपीसी में, और तब से अभी तक जो स्टैटिस्टिक बताया गया है 750 वीमेन को हमने स्क्रीन किया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। एंड लास्ट ईयर जब ऑल ओवर इंडिया सर्वे हुआ स्मार्ट स्कोप किसने ज़्यादा यूज़ किया है, तो इंडिया में हमको सेकंड रैंक मिला टोटल इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए। फर्स्ट रैंक मिला एफपीआई धारवाड़ ब्रांच को, वो भी एफपीआई फैमिली है, उनको फर्स्ट और हमको सेकंड रैंक मिला ये स्क्रीनिंग के लिए। तो ये स्क्रीनिंग में डिफरेंट क्या है, तो इसमें आपको कोई टेस्टिंग करना नहीं है या फिर किसी से कुछ सैंपल लेना नहीं है, कोई पैथोलॉजिस्ट का जरूरत नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है जो उसमें क्या करता है, तो जो गर्भाशय का मुंह होता है उसको हम स्टेन करते हैं, एक डाई लगाते हैं, उसके बाद में वो जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स और अबनॉर्मल सेल्स जो है डिफरेंटली दिखते हैं, तो उसका हम कैमरा से फोटो ले लेते हैं। फोटो लेने के बाद ऐप में वो हमें बताता है कि ये लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, किस वजह से हो सकता है। अगर वो हाई रिस्क है तो हम उसको पैप स्मियर के लिए या फिर एचपीवी को टेस्टिंग के लिए बताते हैं। अगर वो लो रिस्क है तो हम उनको बताते हैं कि अगले 3 से 5 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये स्क्रीनिंग के लिए फिर से एक बार आ सकते हैं। तो ये जो कैंसर है ये टोटली प्रिवेंटेबल है टाइमली एक्शन करने से। अगर आप बता रहे थे कि हम टोटली प्रिवेंटेबल है क्या, यस ये टोटली प्रिवेंटेबल है अगर हम अपने 90% बेटियों को वैक्सीनेट करें। 90% अपनी महिलाएं 9 से 26 साल की उम्र तक अगर ये वैक्सीनेट हो गए, 90% हमारी महिलाएं रेगुलर स्क्रीन करते रहे, और ये जब कैंसर डेवलप होता है जो अभी ऑलरेडी स्क्रीन नहीं हुए हैं, ऑलरेडी कैंसर स्टेज में है, अगर हम उसका अर्ली डायग्नोसिस और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, एटलीस्ट 70% महिलाओं को भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है कैंसर का, तो डेफिनेटली ये कैंसर पूरा ये विश्व से चले जा सकता है। इसलिए हमें यूनाइट होना है, इसलिए हमें वैक्सीन करना है, इसीलिए हमको अर्ली स्क्रीनिंग को प्रोपोगेट करना है। और जब लोग अपने बारे में जानेंगे, उनको अवेयरनेस होगा, तो वो खुद आएंगे। जैसे श्रीनिवास बिरादर ने बताया 1974 में जब हमारा ये ब्रांच स्टार्ट हुआ, तब डॉक्टर सिद्धा रेड्डी डॉक्टर कृष्णमूर्ति गाँव गाँव जाके साइकिल के ऊपर बताते थे फैमिली प्लानिंग कितना ज़रूरी है। तब उनको पता ही नहीं था कि 2 बच्चों के ऊपर स्टॉप करना है, तब बता बता के ये करना पड़ता था। अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। आज हमें इतने केसेस होते हैं, महीने में 200 केसेस हम फैमिली प्लानिंग के करते हैं, और कुछ केसेस को हम वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ता है, कुछ के लिए कुछ बताना नहीं पड़ता। लोग अपने आप से आते हैं जब उन्हें पता है कि उनका फ़ायदा किसमें है, जब उनको उनके बारे में पता है, तो वो अपने आप से आएंगे। तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, और हमारे एफपीआई के साथ में आप ही सभी प्रेस मीडिया जुड़ेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक